पीएम मोदी ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हुई क्वारंटाइन, ट्वीट कर दी जानकारी। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में दो युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सिपाही पर ही हत्या का लगाया आरोप, लखनऊ वाराणसी हाईवे जाम। बिहार के सिवान में खेत जुताई के दौरान मिली कई साल पुरानी अष्ट धातु भगवान विष्णु की मूर्ति, 200 साल पुरानी बताई जा रही मूर्ति। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, यानी कि आज उन्होंने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी लखनऊ में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 14 से 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कानपुर भी जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन किया और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी 2 बजे डॉक्टर बीआर अंबेडकर भवन जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 2:15 पर मिलने वाले केंद्र का दौरा करेंगे। यह केंद्र राष्ट्रपति का पैतृक घर है, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दिया गया था और एक सामुदायिक केंद्र में परिवर्तन कर दिया गया है। आकस्मिक रूप से मुझे आमंत्रित किया है, यहाँ मुझे जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए माइंड में कभी नहीं कर पाया मैं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सभागार में मौजूद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में निवेश किया है, ऐसे उद्योग जगत से जुड़े मेरे सम्मानित महानुभाव, यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है, शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इस उत्तर प्रदेश का, चूंकि मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ, शायद यह भी सोचकर उन्होंने आमंत्रित किया होगा। चूंकि हमारा यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं, इसलिए हृदय की गहराइयों से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिस कर्मठता के साथ उत्तर प्रदेश को एक न्यू हाइट देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार में जाकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कर्मठता, उनकी काल्पनिक क्षमता और त्वरित गति से किसी भी काम का निस्तारण होना चाहिए, इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यही कारण है कि शायद उत्तर प्रदेश में निवेश तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग के मामले में भी आकर खड़ा हो गया है। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत कभी ईज ऑफ डूइंग के मामले में 142वें स्थान पर 142 इस पोजीशन पर था, आज वह आकर 62 की पोजीशन पर हमारा भारत खड़ा हो गया है। और हमारे प्रधानमंत्री, और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोविड संक्रमित हो गई हैं। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल ही लखनऊ से दिल्ली लौटी थी। वो 2 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के लिए लखनऊ गई थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि मैं कोविड संक्रमित हो गई हूँ, मुझे कोरोना के हल्के लक्षण हैं, सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए मैंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था, इसके बाद हुए कोविड टेस्ट में वे पॉजिटिव आई हैं। सुरजेवाला ने बताया था कि सोनिया गांधी ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। सुरजेवाला ने उम्मीद जताई है कि 8 जून से पहले सोनिया ठीक हो जाएंगी। उस दिन नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी पूछताछ के लिए सोनिया को ईडी दफ्तर जाना है।
कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक स्लीपर बस एक अन्य वाहन से टकराई कर पलट गई है। इस दौरान बस में आग लगने से 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। यह हादसा कलबुर्गी जिले के कमलापुर गांव के पास बीदर श्रीरंगपट्टन हवाई पर हुई है और इस हाईवे पर यह हादसा हुआ। आग से पूरा तरीके से जो बस थी वो जल गई थी, जिससे 22 यात्री फिर भी निकलने में सफल रहे। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट बस गोवा के ऑरेंज कंपनी की है। यह बस गोवा से हैदराबाद की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बस में चालक समेत 35 यात्री सवार थे। 12 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। सूत्रों ने यह बताया कि हादसे में मारे गए सभी 8 लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने थाना बिलसंडा क्षेत्र में 4 लोगों को अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों से 85 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है और हजारों लीटर लहन को नष्ट किया गया है। वहीं शराब बनाने की 2 भट्टियों को भी ध्वस्त कर चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। SP दिनेश कुमार प्रभु के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने सिपाही पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए लखनऊ वाराणसी हाईवे पर टोल प्लाजा के पास जाम लगा दिया। घटना की जानकारी लगते ही SDM और CO परिजनों को समझाने के लिए पहुंचे। दरअसल आज सुबह कुरवार थाना क्षेत्र के भदहरा गाँव के पास 2 बाइक की भिड़ंत हो गई और इस घटना में बाइक सवार दोनों की मौत हो गई। परिजनों का यह आरोप है कि उनके बेटे की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ही एक सिपाही से विवाद हुआ था, उसी सिपाही ने हत्या करवाई है। भगा, ये कोई पुलिस वाला मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपने बच्चे को वहां से तुरंत लखनऊ लेकर के भगा, लेकिन मेरा बच्चा बयान दे करके और मर गया। पापा मेरे एक्सीडेंट ने मेरे को मारा है, इन्होंने दिखा दिया एक्सीडेंट हुआ है। इनके यहाँ एक प्रदीप चौधरी नाम का पुलिस है बिजनौरिया, उसने मेरे को 4 दिन पहले किसी हरजन के औरत को मारा, फिर हरजन को बंद किया। FIR कुछ नहीं है वहाँ पे। चलिए एक बड़ी खबर आपको गोपालगंज से इस वक्त की बता देते हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पटीदार आपस में भिड़ गए। गोपालगंज से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर गोपालगंज में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। 5 महिला सहित 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, जहाँ पर 5 महिला सहित 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्राथमिकी इलाज के बाद 3 को रेफर कर दिया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के रामपुर पंडितपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भोरे थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर गोपालगंज से। अधिक जानकारी के लिए प्रदीप हमारे संवाददाता गोपालगंज से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? जी पूजा, क्योंकि पूरा मामला गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके के रामपुर पंडितपुरा गाँव का है, जहां पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद को लेकर 2 पटीदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट में 5 महिला सहित 9 लोग घायल हुए हैं। हालांकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भोरे रेफरल अस्पताल से गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों तरफ से प्रतिवेदन थाने को दिया गया है। एक तरफ से प्रथम पक्ष की अगर बात करें तो 8 लोगों को शहादंडित किया गया है, वहीं द्वितीय पक्ष से 11 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। प्रदीप, ये बताइए कि क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? जी पूजा, चुकी हमारी बात भोरे थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव से भी हुई है। जी, उनका कहना है कि दोनों तरफ से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर गोपालगंज में पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई और ऐसे में 5 महिला सहित 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। भोरे थाना क्षेत्र के रामपुर पंडितपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है।
बिहार से बाहर बिहारियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और अब इसको लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कश्मीर के लिए नासूर बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई किसी भी राज्य में जा सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और राजद प्रवक्ता ने सरकार की जमकर निंदा की। कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, तो इस देश के किसी हिस्से में रह रहा हो और आतंकी घटना का शिकार हो तो उसको पलायन से केवल जोड़ देना यह सही नहीं होगा। 17 सालों का नीतीश कुमार का शासन बिहारी जनता के लिए इतना अपमानजनक रहा है, इतना शर्मनाक रहा है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। सरकार को बिहार में शासन करने से 17 साल पूरे हो गए, इसके बावजूद आज भी पलायन की समस्या है। जिस तरह से नौजवान रोजगार के लिए पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर जिले के ताजपुर चकहैदर हौदा का गायब रजिस्टर 2 उपलब्ध कराकर 4-5 वर्षों से बंद मालूम गुजारी रसीद काटने सहित कई मांगों को लेकर अचल प्रखंड पर शुरू अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान माली कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में झंडे बैनर लेकर प्रशासन विरोधी नारे लगाए और धरना पर बैठ गए। मौके पर प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सभा में मांग पूरे होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की गई। अभी हम लोग ताजपुर अंचल प्रखंड कार्यालय पर भाकपा माले के द्वारा जारी दूसरे दिन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन में हैं। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के माध्यम से भाकपा माले ने आम जनता का मजबूत समस्या को उठाया है कि किस तरह से ताजपुर अंचल कार्यालय से रजिस्टर 2 गायब होने लगा है। रामापुर महेशपुर के चखैदर हौदा वार्ड 11-12 का रजिस्टर 2 गायब कर दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र 6-7 साल से बल्कि तैयार है, लेकिन उसमें केंद्र नहीं चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर में एक युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये बताया गया कि शरीर पर सैकड़ों जख्म के निशान थे। हत्या कर शव को बांध कर लटका दिया गया था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान बलवीर कुमार के रूप में हुई है। हालांकि घटना के बाद तरह तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं, कहीं प्रेम प्रसंग तो कहीं पुराने विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों द्वारा नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने त्वरता से कार्रवाई करते हुए नामजद सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बताया गया कि घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रुकने के बाद जो है हम लोग चले गए घर। घर जाने के बाद इसको जो है सुबह की जरा पिटाई किया, इतना फैलाई किया कि मार करके थाना पर ले आया। कटरा थाना अंतर्गत लखनपुर गांव में एक किशोर की हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। थानाध्यक्ष के द्वारा इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सभी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अगली खबर सिवान से, जहां पर आपको बता दें कि सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में थाने की गाड़ी चलाने वाले एक सिपाही को थाना प्रभारी ने जमकर मारपीट और गाली गलौज की। इस घटना के बाद अपने अधिकारी के खिलाफ थाने की गाड़ी चलाने वाला सिपाही थाने में ही धरने पर बैठ गया और अपने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग सिवान के SP शैलेश कुमार सिन्हा से करने लगा। सिपाही का कहना है कि थाना प्रभारी कहते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थाना प्रभारी द्वारा हमको मारपीट किया गया है। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें SP साहब आकर के जांच करें, जो सही हो उसका डिसीजन करें। आपके साथ ऐसा कौन किया है? कुमार वैभव थाना प्रभारी है। और भी स्टाफों के साथ क्या ऐसी होती है? क्या बहुत स्टाफ के साथ होती है, लेकिन लोग डर से, इनके दबदबा है, इनकी सरकार इनकी है, कहते हैं कि हमारा नीतीश बाबू हमारे सरकार है।
सिवान के मेरवा दरौली मुख्य मार्ग के सिसवा मंदिर के पास गुरुवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। वह आधार कार्ड में सुधार करने के लिए आया हुआ था, एक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और ट्रैक्टर का पहिया उसके शरीर पर चढ़ जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। युवक को कुचलने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गया और उसे मोरवा की गुठनी मोड़ स्थित आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के परिसर में खड़ा कर फरार हो गया। युवक की मौत की खबर सुन स्थानीय लोगों ने उसके परिजनों को सूचना दी। उसके शव को सड़क पर रखकर घंटों सड़क जाम कर दिया गया। स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलते ही मेरवा थाना अध्यक्ष संजीव कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन मृतक के परिजन ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे और दुर्घटना में मिलने वाले 5 लाख रुपए मुआवजे देने और सड़क चौड़े करने की मांग कर रहे थे। पटना सिटी के त्रिपोलिया में शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार महिला के इलाज के क्रम में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों सहित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और अशोक राजपथ पर आगजनी सड़क को जाम कर दिया। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां नेहा देवी नामक एक महिला को पुलिस ने रविवार को उसके घर से शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद फिर उसे चालान करते हुए बेउर जेल भेज दिया गया और परिजनों ने यह बताया कि नेहा देवी को शराब के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे सुल्तानगंज थाने में पीटा भी गया था। उसके बाद बेउर जेल में उसे भेज दिया गया था, जहां उसकी पिटाई फिर की गई और फिर उसकी स्थिति बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हम यही चाहते हैं ले जाके क्या किया, उसको ले जाके उसको टॉर्चर करा है, उसको मारा है। इनको सारोप के आरोप में सुल्तानगंज थाना के हवलदार ले गया है। अब लोगों का कहना परसों उसको तो मार उड़ कर चलान कर दिया है, मारने से मृत्यु हो गई। सिवान में खेत जुताई के दौरान कई सालों पुरानी अष्ट धातु भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। मामला नौतन प्रखंड के हथौजी गांव की है। जैसे लोगों को पता चला कि खेत में भगवान विष्णु की मूर्ति खुदाई के दौरान निकली है, तो खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। वहीं मूर्ति को देखने के लिए कई गाँव से लोग आने लगे। देखते ही देखते लोग वहाँ पर पहुँच कर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। वहीं लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु का साक्षात रूप है, तो कई लोग यहाँ मंदिर बनाने की भी बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु अष्ट धातु की मूर्ति 200 साल पुरानी बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए सिवान से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये मूर्ति बरामद हुई है, क्या कोई टीम यहां पर आई हो मूर्ति को लेकर जांच करने के लिए, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी देखिए, आपको बता दें कि नौतन प्रखंड के हथौजी गांव की खेत जुताई के दौरान एक कई साल पुरानी मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति, पुरानी मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, जिसको लेकर कई गाँव में आग की तरफ फैल गई और लोग आकर वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहाँ मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मूर्ति मिली है, हालांकि 200 साल पुरानी ये बताई जा रही है और लोग अब यहाँ पर मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं। गांव में भगवान विष्णु स्वतः उत्पन्न हुए हैं और अवतार लिए हैं। हमारे गांव में बहुत सा खुशी है और हम लोग चाहते हैं कि यहां मंदिर बनाया जाए और यहां के जो विकास पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि हमारे गांव में एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाया जाए। और हम लोग उत्सवी हैं और हमारे गाँव के महिलाएँ जो हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, मुखिया जी हैं और सब लोग जो आते हैं, उनसे सभी लोगों से हम यही कहेंगे कि मिलजुल के एक बड़ा मंदिर बनाया जाए इनका। केंद्र में भाजपा ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं और इसी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हजारीबाग जिला कमेटी ने स्थानीय अटल भवन में प्रेसवार्ता का आयोजन किया। बता दें कि इस प्रेसवार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल की सफलता से लोगों को अवगत कराया गया। केवल हजारीबाग ही नहीं, आज जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो प्रैक्टिकली हर डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में आज जो प्रमुख योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन,
पिता जो शौचालय बने वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। बैंक का खाता खुला, उसमें हजारीबाग के लोगों का भी खाता खुला। जो शौचालय बने हजारीबाग में भी बना। उज्ज्वला से जो गैस दिया गया हजारीबाग में भी उसका वितरण हुआ। हजारीबाग की जो बड़ी परियोजनाएं जो मिली उसमें रेल लाइन एक बहुत बड़ी परियोजना थी जो कि हजारीबाग में आई। झारखंड के रामगढ़ में जिले के जतारपुर प्रखंड स्थित लारी कला पंचायत में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद प्रत्याशियों ने ग्रामीण से बदले की भावना में गांव के पानी पीने योग्य लगभग आधा दर्जन कुएं पानी को गंदा कर दिया, जिससे गांव के लोग इस भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए तरसते रहे। लिहाजा जिला प्रशासन भी मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं इस मामले पर जिले के कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर दंड देना चाहिए। इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी जावेद हुसैन ने बताया कि इस मामले की जाँच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उस कुएं से लगभग 500,000 लोग उस कुएं का पानी पीते थे। उसके दूसरे दिन ही वहां लगभग 4 कुएं में जला हुआ मोबिल डाल दिया गया। मैं जिला प्रशासन से वहां के समाज सेवी से आग्रह करता हूं ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंड देना। रसायन और इस टाइप की चीज़ें डाली गई है आने वाले प्रत्याशियों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर इस पर जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनकी कार्रवाई। बस मामला यह था कि पंचायत चुनाव जैसे खत्म हुआ उसके बाद महिलाओं लोग को पानी बंद कर दिया गया। जब महिला लोग गया वहाँ कुआं के पास पानी पीने के लिए ले आने के लिए, तो 10-12 महिलाएं थे, उनको भगा के और करकट से डाल दिया कुआं में। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर की दूरी पर खेत में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी देखे जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव को देखा, जिसके बाद तत्काल दारू थाने को इसके बारे में सूचना दी गई। सदर हॉस्पिटल में आई टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि जाँच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। तो खेत से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस तरीके से महिला की हत्या की गई है। हालांकि जाँच की जा रही है महिला कौन है इसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।